वो उस एनर्जी का मजा लेना चाहते हैं। खैर छोड़ो, ठीक है हो गया, बॉलीवुड समझ में आ गया, बाकी करते हैं, बहुत कुछ है बाद में करते हैं। और कुछ पूछो, एक सवाल है यहाँ पर, मास्टरबेशन से क्या कमजोरी आती है? ओके, मास्टरबेशन से कमजोरी तो नहीं आती, हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं, अंडकोश जिन्हें कहते हैं, ठीक है, उनका काम है स्पर्म बनाना। क्या काम है उनका? स्पर्म बनाना, वो स्पर्म बनाते रहते हैं, अंडकोश जो हैं वो स्पर्म बनाते रहते हैं, स्पर्म बनते रहते हैं, आप स्पर्म को निकालते रहो, वीर्य जिसे बोलते हैं, अगर आप नहीं निकालोगे तो वो अपने आप निकल जाएंगे, जिसे स्वप्न दोष वगैरह कहा जाता है या नाइटफॉल कहा जाता है, अपने आप ही हो जाता है, खुद भी निकाल सकते हो। मास्टरबेशन को हम लोग एक पावर की तरह यूज कर सकते हैं, मास्टरबेशन आपकी हेल्प कर सकता है, हेल्प कर सकता है आपके अच्छा, आपकी सेक्स पावर बढ़ाने में भी मास्टरबेशन हेल्प करता है। कैसे? अगर आपका फोकस जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होने पर ना हो, आपको अपने पेनिस के साथ खेलना आना चाहिए, वो एक आपका हथियार है जो आपके बहुत काम आएगा, ऑफकोर्स काम तो आएगा, आप उसका उसको एक आर्ट की तरह करो, मास्टरबेशन को एक आर्ट की तरह करना है, और उसके लिए कुछ टाइम बांध लो, एक समय रख लो कि मुझे इस वक्त हफ्ते में इस दिन और इस समय मास्टरबेशन करना है, और मास्टरबेशन का आपका जो टारगेट है, मास्टरबेशन करने का जो कारण है वो ये, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे जल्दी जल्दी उसको स्खलित होकर या क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्ज होकर मुझे सोना है, नहीं ऐसा नहीं, आप उसको उसको मसाज के तौर पर आपको लेना है। मान लो आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपको उस हाथ से उसको मसाज करना है और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, उसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करना है, ताकि जब आप किसी लड़की के साथ सेक्स करें तो वो एक पावर टूल की तरह। चलो हाँ, हम क्या बात करें, ओके, हम मास्टरबेशन को समझते हैं थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके ऊपर। मान लीजिए ये आपका पेनिस है, ओके, आपको इस पे इसको चलाना आना चाहिए, आप समझ रहे हैं, आपको इस ऐसे नहीं कि खत्म, आपको खत्म करने की तरफ जाना ही नहीं है, आपको इसकी पावर बढ़ानी है, इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है, आपको इस पे इसके साथ छेड़खानी करनी है, हल्की हल्की हल्की, और इमेजिनेशन नहीं करना है, ओके, अपने दिमाग को एक चीज समझा के रखो, अगर आपके दिमाग को आदत पड़ गई इमेजिनेशन करने की, यानी कि लड़की के बारे में सोचने की, तो शायद आप एक सच में जो लड़की का नशा है उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। आप लोग में से कई कर भी रहे होंगे, है ना, कितने लोग हैं बताओ मुझे जिनको मास्टरबेशन की वजह से एक क्या प्रॉब्लम आ गई है, वो इमेजिनेशन में खुश है, और होता क्या है, आपके अंदर की वो एनर्जी खत्म हो जाती है अगर आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे। देखो, लड़की से बात करने के तरीके में मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो आप मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, अब क्या होगा, आपके टेस्टिकल क्या करेंगे, वो स्पर्म पैदा करेंगे, स्पर्म एक जीती जागती चीज होती है, ऑफकोर्स वो जीती जागती चीज होती है क्योंकि वो बच्चा बना देती है, स्पर्म मतलब आप समझ रहे हो, स्पर्म इतनी ताकतवर चीज होती है कि वो जिंदा है, स्पर्म भाई साहब एक जीवित चीज है। स्पर्म क्या करते हैं, वो टेस्टिकल के अंदर मचाते हैं हड़कंप, अंदर धकड़ 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 धकड़, क्योंकि वो जिंदा है तो वो कुरबुल कुरबुल करते हैं कीड़े, तो बंदा सोचता है यार अब, और वो दिमाग पर असर करते हैं, लेकिन हम उनको निकाल देते हैं, और कुछ लोग बड़ी तेजी से निकालते जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपनी एक पावर जो दिमाग को देनी होती है, जो परेश जो एक देखो होता क्या, अगर आप भाई साहब अगर आप 20 दिन मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, एक महीना मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप लड़की से बात करने पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके अंदर की आग आपको उकसाएगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी, आप जाके लड़की से बात करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को नीड है सेक्स की। लेकिन अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हो तो सो जाओगे, छोड़ो क्या बात करनी ना, अपना काम तो बन गया, और जब तुमने वो आग ही निकाल दी। देखो, मास्टरबेशन करने का जो मूड होता है ना, वो कई बार टेंशन से भी हो जाता है, जब आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है,